हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस के सीरीज में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में और एक कंपोनेंट क्रिएट करके दिखलाएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऐप है, फर्स्ट ऐप नाम से रिएक्ट जेएस का एक ऐप है। इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में बता रखी है कि कौन कौन सी फाइलें क्या करती हैं। ये पब्लिक फाइल है, इनमें से एक फाइल जो है ये जो HTML फाइल है, index.html, ये मेन फाइल होता है। बाकी ये लोगो है, फेविकॉन लेगो, इसको हम डिलीट कर दें कोई ये ज़रूरी नहीं होता है। इसी तरीके से इसमें जितने भी ये लोगो है ये है, इसको ये कोई ज़रूरी काम की फाइल नहीं होती है, इन्हें हम डिलीट कर देंगे। अभी हम सिंपल सा रखेंगे प्रोजेक्ट को। इस SRC फोल्डर में से जो भी फालतू सी फाइल है उनको हम हटा देते हैं, जैसे कि हमारा app.css हो गया, ये app.js जो कि हमारा एक कंपोनेंट है इसको हम हटा देते हैं। अभी ये लोगो हटा देते हैं, ये रिपोर्ट वेब हटा देते हैं, और सेटअप टेस्ट ये जो फालतू सी फाइलें सबको हम हटा देते हैं अभी के लिए। आप इस पब्लिक फोल्डर में देखेंगे, इसमें एक सिंपल index.html है जो कि हमारा मेन है। इसमें से भी हम ये सब जो कमेंट है इन सबको हटा देते हैं, सिंपल सा रखते हैं। ये बाकी जितने लोगो हैं इन सबको हम हटा देते हैं। बेटा आइकन वाइकन एड में एक टाइटल रहे और बॉडी में इसको भी हटा देते हैं। बॉडी में एक सिंपल सा डिब है, ओके, जिसकी आईडी रूट है। और SRC फाइल में एक index.js फाइल है, इसके अंदर की सभी चीज़ें को हम हटा देते हैं। अब ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट हो गया है, React.js का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इसमें हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखलाएंगे, उसके बाद एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, उससे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखलाएंगे। इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले हम रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इसको हम इंपोर्ट क्यों करते हैं, ये रिएक्ट जो है ये काम आता है हमारे जो भी HTML का जो टैग होता है, अगर हमें यूज़ करना है रिएक्ट जेएस में तो हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना ज़रूरी पड़ेगा। और वो HTML की टैगें नहीं होती हैं रिएक्ट जेएस में, वो JSX होता है, JSX, ओके। और नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट स्मॉल में रिएक्ट डोम, ओके। इसको हम इंपोर्ट क्यों करते हैं, रिएक्ट डोम, आपको डोम के नाम से ही समझ आता होगा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करना होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के, तो उसको यूज़ करने के लिए हम रिएक्ट डोम का यूज़ करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम रिएक्ट डोम डॉट रेंडर फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे, और इसके अंदर तीन पैरामीटर होते हैं जो कि इसमें दिखला रहा है, एलिमेंट रिएक्ट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट डॉट एलिमेंट और कॉल बैक फंक्शन। इसमें तीन एलिमेंट होते हैं। पहला हम लेंगे जो एलिमेंट, जैसे कि H1 एलिमेंट हो गया, इसमें हमारा लिखा होगा हेलो वर्ल्ड लिखा होगा, ओके। दूसरा हमें ये बताते हैं कि कहाँ पर हमें इसे रेंडर करना है, जो कि हमने जो पब्लिक फोल्डर में हमारे क्या है index.html है, उसके अंदर एक डिब है जिसकी आईडी रूट है, उस जगह पे हमें इसे रेंडर करना है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर रूट को हम रेंडर करवा देंगे, ओके। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखला देगा। टर्मिनल ओपन करते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल npm स्टार्ट कमांड डालेंगे और हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमें ऐप के अंदर जाना होगा, हमें
npm start, ये हमारा ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेता है, सेकंड टाइम ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ऑटोमेटिकली रेंडर होने लगता है, चलने लगता है। तो आप ये देखेंगे कि हमें प्रिंट करके दिखला दिया हेलो वर्ल्ड, ओके। और अगर हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करें और उसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड क्रिएट करें और उसके बाद हम इसको रेंडर करवाएं तो ये कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। या इस src फाइल में एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो कि app.js के नाम से होगा, ओके। और इसके अंदर सीधा वही इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। सेकंड हमारे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रिएक्ट डोम, कहाँ से, रिएक्ट डोम से, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा, हम कंपोनेंट दो तरीके से बना सकते हैं, एक हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हैं और एक हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जस्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास जिस नेम से हमने कंपोनेंट बनाया उसी नेम से हमें क्लास लेंगे, जैसे कि ऐप, और इसमें हम एक्सटेंड करेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। इस क्लास बेस में एक कंपलसरी होता है रेंडर मेथड, और उसके अंदर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम एक टैग लेंगे JSX होगा। रिएक्ट में क्या होता है, JSX होता है ये, इसमें लिखेंगे हम जो भी लिखना है हमें, जैसे कि हम वेलकम टू आवर चैनल, ओके। और इसमें हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होता है, जो कि यहाँ जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं उसको हमें एक्सपोर्ट करना होता है, और जहाँ हमें इसे यूज़ करना है उससे वहाँ पर हमें इसे इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप का नाम, जिस क्लास से हमने बनाया जिसे हमें एक्सपोर्ट करना है उसको यहाँ लिख देंगे। और जहाँ पर हमें इंपोर्ट करवाना है, जैसे इसमें हम इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना है, जो वहाँ पर हमने एक्सपोर्ट करा था ऐप नाम से, और कहाँ से ये कौन से फाइल में है डॉट, ओके। और इस रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर फंक्शन में हमें पता है कि किसको हमें रेंडर करवाना है और कहाँ पर रेंडर करवाना है, और एक और कॉल बैक फंक्शन भी होता है। और इसमें हम अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करें उसको हम रेंडर करवाएंगे, जैसे कि हमारा क्या कंपोनेंट का नाम है ऐप, ठीक है, हमने अपना एक टैग क्रिएट करा इसमें, ओके। इसे हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो भी हमने टैग में लिया था वो प्रिंट होके दिखला दिया है। इस तरीके से हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐप जो है एक नया कंपोनेंट क्रिएट हुआ है। यहाँ पर जो हमने क्लास बेस से कंपोनेंट क्रिएट करा है उसको हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है, जहाँ पर हमें इसे यूज़ करना है वहाँ पर हम इसे इंपोर्ट करेंगे, और अपना एक टैग नाम से कंपोनेंट क्रिएट करा है उसको हम वहाँ इस रेंडर फंक्शन में यूज़ करेंगे, और जो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो जो कि हमारी पब्लिक फाइल में जाकर इस डिब में आ जाएगी। और इसे हमें यहाँ पर देखोगे आप, डिब था उसकी आईडी रूट है, उसके अंदर एक H1 क्रिएट हुआ है और उसके टैग्स जो है वेलकम टू अवर चैनल। ये जो हमारा टैग है जो HTML टैग दिख रहा है, लेकिन ये हमारा HTML टैग नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये हमारा JSX टैग है। सिंपल आप यहाँ पर आएंगे, बेबल टाइप करेंगे, बेबल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आप ट्राई इट आउट इस पर क्लिक करेंगे और एक कंपाइलर चालू हो जाएगा, और यहाँ पर आपने जो कॉपी करा था उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे जो ये हमारा HTML टैग दिख रहा है, ये हमारा रिएक्ट JS का JSX टैग है, जो कि हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये JSS टैग है
जो कि कन्वर्ट करता है हमारे किसी भी ब्राउजर के रीडेबल फॉर्म में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।